Sony Sub released the trailer of its upcoming show Zitti Dil Manena. The new romantic and youth-oriented show is set against the backdrop of SAF, which is the Special Action Force Camp. Produced by Sunshine Productions, the show features Shalin Malhotra, Kunal Karan Kapoor, Kaveri Priyam, Diljot Chhabra, Aditya Deshmukh and Simple Kaul in lead roles. Zitti Dil revolves around a young team of trained and civilian volunteers who find love and explore budding romance in their lives while trying to fulfill their aspirations and survive at the camp. Check this video out to know more. Shagir, Kaveri Priyam aka Dr. Monami, Kunal Karan Kapoor aka Sig Ganju, Diljot Chhabra aka Special Agent Sanjana, Aditya Deshmukh aka Special Agent Fezzi and Simple Kaul aka Nurse Koyal. वैसे अगर आपका मन करे तो आप एक बार हल्की सी तालियां भी मार सकते हैं. बहुत वक्त के बाद हम ऐसे मिले हैं. Where are the members of the media? यहाँ पर सारे everyone's recording. Great. Good work. So cast, we're going to put our hands together and welcome all the media members and ourselves right here. वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है to see all of you all here. और आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं जो आप सबसे पूछना चाहेंगे. वैसे 30 अगस्त यानी कि काफ़ी वक्त कम है हमारे पास. द शो इज़ राइट नाउ जस्ट अ वीक अवे. तो शालीन आपसे शुरू करते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है करण शैगिल, उसे अखड़ बहुत ही सख्त माना जाता है, और ये कैरेक्टर आपको खेलते यहाँ पोर्ट्रे करते हुए कैसा लगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद जिद्दी दिल मानेना? हेलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन. मुझे पता है कि बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे मुलाकात कर पा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू जो इन्होंने करवा दिया है. बट वंस अगेन बिकॉज इट रियली टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू गाइस टू कम हियर. सेकंड अबाउट करण, मुझे तो बहुत मजा आता है. मतलब और क्या चाहिए अगर आपको पता है कि आपके सामने जितने भी लोग हैं, जब आप उनको कोई एक ऑर्डर दें और वो ऑर्डर मना ना कर पाए, तो वो जो प्लेजर है, वो जो सेडिस्टिक प्लेजर है, वो है. लेकिन बट वो करण का नहीं, वो शालीन का है. करण एज अ कैरेक्टर आई थिंक इज वेरी डिसिप्लिन, बहुत उसूलवादी है. उसके हिसाब से जिंदगी में कुछ भी ऐसी चीज आसानी से जिनको मिल जाती है उनको उसकी कदर नहीं होती. तो ही इज वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कमांडोज इन द कंट्री. ही उसको ये पसंद नहीं है कि लोग हर चीज हल्के में लेते हैं, खासकर जिन लोगों को चीजें आसानी से मिल जाती हैं. अदरवाइज आई थिंक इट्स अ कैरेक्टर जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, जो आगे आगे एज सून एज वी प्रोग्रेस इन द शो आपको पता चलेगा, शायद दूसरे एपिसोड से पता चलना शुरू हो जाएगा कि वो सिर्फ खड़ूस नहीं है. उसके खड़ूस होने की एक वजह है, एक कारण है. और उसके बाद ऑफकोर्स जैसे हम आम इंसान हैं, हर एक आदमी ऑफिस में कभी खड़ूस होता है, कभी घर पर जाके बच्चों के सामने उसको पिघलना पड़ता है, तो वैसे ही ये भी एक इंसान है, एक ह्यूमन है. सो ही हैज ऑल द इमोशंस दैट अ ह्यूमन हैज. सो आई थिंक या इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल रिटन कैरेक्टर एंड it's an experience of my last 10 years. I think it is one of the best experiences in a TV show that I've had because of the wonderful cast that I have here. I think they are supremely talented. Kai log mere se bhi purane hain aur kai log kafi naye hain, but considering that, I think all of them are amazing as actors, and when I look up to them, I personally strive to reach the level of their excellence, and hence we'll really have a lot of fun on the set. Fantastic. वैसे आई थिंक ये तो सेकेंड एपिसोड से पता चलेगा, लेकिन फर्स्ट एपिसोड अभी फिलहाल 30th August, तो अभी वेरी एक्साइटेड क्या देखने मिलने वाला है. वी हैव कावेरी उस प्लेइंग डॉक्टर मुनामी. वैसे बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि अगर ये सख्त है तो इनका कैरेक्टर थोड़ा सा सॉफ्ट है लेकिन डेडिकेटेड है. बहुत सारी ऐसे न्यूएंसेस है जो इस कैरेक्टर के बारे में बहुत ही बखूबी से इन्होंने पोर्ट्रे की है. सो वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट डॉक्टर मुनामी? डॉक्टर मुनामी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड. जैसे करण शैगिल को नफरत है उन लोगों से जिनको हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, तो मुनामी एक ऐसी फैमिली से आती है जिसको सब चीज़ आसानी से मिली है, लेकिन मुनामी का जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है. शी इज़ नॉट वन ऑफ देम कि उसको सब कुछ आसानी से चाहिए. She wants to get everything on her own, और वो खुद से, खुद की मेहनत से, खुद की टैलेंट से आगे बढ़ना चाहती है. So that is the difference where
Monami and Karan will, you know, meet. And also, she is very headstrong. और वो अपने पापा को दिखाना चाहती है कि वो खुद के दम पे कर सकती है, यू नो, बहुत कुछ कर सकती है. और वो दूसरों के बारे में पहले सोचती है, खुद के बारे में बाद में सोचती है. उसके लिए डिसिप्लिन लोगों के इमोशंस के बाद आता है, लोगों के इमोशंस पहले आते हैं उसके लिए. सो शी इज इन दैट वे इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड एंड अ वेरी नाइस पर्सन. सो दैट्स अबाउट इट. क्या बात है, थैंक यू सो मच. वैसे अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो जिनको जिंदगी में सब कुछ मिला है, लेकिन अभी चेंज होने वाला है. हमने भी जब उनको बोला था कि यहाँ पर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, उन्होंने बोला मेरा कैरेक्टर बहुत लेजी है. हम बात कर रहे हैं कुणाल करण कपूर की, जो पोर्ट्रे करते हैं सिड गंजू. तो मुझे लगता है कि आप भी अपने कैरेक्टर के बारे में हमारे सारे दोस्तों को प्लीज बताइए. थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए. बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ, इतने सारे कैमरास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है इन सबके साथ खड़े रहकर. सो आई प्ले अ कैरेक्टर कॉल्ड सिड गंजू. जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही लेजी हूँ. सिड का लाइफ में कोई एम नहीं, उसे कुछ नहीं करना, उसे बस आराम करना है, वीडियो गेम खेलना है, अच्छा खाना खाना है. और मोहतरमा सिड की बेस्ट फ्रेंड है, तो हम दोनों काफ़ी ऐशो आराम में पड़े हुए हैं. ये बिल्कुल अलग है और मैं बिल्कुल अलग हूँ, क्योंकि जो इनका लक्ष्य है वो मेरा बिल्कुल भी नहीं है. मेरा कोई लक्ष्य नहीं. तो अनटिल आई मीट समवन एल्स और दुनिया बदल जाती है. दैट्स इट गंजू. वैसे अगर गंजू की बात करें तो संजू की बात करना जरूरी है इस कहानी में. और हम बात करें दिलजोत छाबरा की, जो पोर्ट्रे करती हैं स्पेशल एजेंट संजना. इनका कैरेक्टर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही विल पावर है इनमें. और इनकी इनके साथ जो इनका कैमराडरी है, दैट इज आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो हर एज अ कैरेक्टर. दिलजोत, आप प्लीज हमारे दोस्तों को बताइए समथिंग अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग योर टेकिंग आउट टाइम. आई थिंक ईच वन ऑफ अस आर रियली ग्रेटफुल. एंड आई एम प्लेइंग संजना. माई फुल नेम इज दिलजोत कौर छाबरा. आई एम प्लेइंग संजना इन द शो. एंड संजना कम्स फ्रॉम द हार्टलैंड ऑफ बुंदेलखंड. बहुत ही अखड़ है, बहुत ही अपफ्रंट है, बहुत रफ एंड टफ है. उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोगों की लाइफ में अगर फोकस नहीं है, कुछ एम नहीं है, डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है. बहुत डेडिकेटेड है और अपनी ड्यूटी को लेके बहुत पैशनेट है. सो आई थिंक थोड़ा सा फीमेल वर्जन है करण सर का. Where she's, you know, a little rough and tough and disciplined like that. So let's see how it goes when she meets a total opposite guy. So yeah, that's it. Thank you. Thank you so much. वैसे अगर आप उनके left पर देखें तो हमारे काफी cool Aditya Deshmukh special agent Fezzy हैं. And मैं उनसे request करूँगी कि please अपने character के बारे में कुछ हम सबको बताएं. First of all, thank you so much. आप सब लोग यहाँ पे आए. एंड फैजी के बारे में, मतलब लाइक फैजी का एक अलग ही चार्म है. मतलब जैसे करण है स्टोन हार्टेड, जैसे संजू है एकदम अक्कड़, तो ये एकदम सॉफ्ट हार्टेड है. मतलब इसका एकदम एक अलग ही स्वैग है. एंड मतलब उसके टारगेट सेट है, उसको लाइफ में क्या करना है उसे मालूम है. बट वो इन दोनों से एकदम अलग ही है. मतलब आपको ऐसा कैरेक्टर कभी देखने नहीं मिलेगा एज फार एज लाइक आर्मी में, ऐसा आपको मिलता नहीं है देखने में. एकदम चिल्ड आउट है, उसका एक अलग स्वैग है, मस्ती मस्त मौला. एंड आगे तो आप देख ही लेंगे. एब्सोल्युटली. वैसे इनकी जोड़ी है सिंपल कॉल के साथ, जो नर्स कोई पे कर रही है. और क्या इनकी रिलेशनशिप सिंपल है कि नहीं, आई थिंक ये वही बता सकते हैं. कोयल के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता. सो कोयल इज़ अ कैरेक्टर जो बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत कुछ लाइफ में देखा है, बहुत लेयर्स हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं. बहुत बिलीवेबल कैरेक्टर है, बहुत अनकन्वेंशनल है. लाइक आई हैव नेवर डन सच एन अनकन्वेंशनल कैरेक्टर ऑन टेलीविजन इन व्हाटएवर इयर्स आई हैव बीन इन टेलीविजन. और बहुत अपफ्रंट है. अगर कुछ छुपाना है तो ऑब्वियसली वो छुपाती हैं बहुत अच्छे से, पर बहुत अपफ्रंट बोल्ड हैं. बट शी हैज़ अ सर्वाइवर इंस्टिंक्ट इन हर एंड बहुत फोकस्ड हैं.
एंड शी इज अ फाइटर. और फैजी के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, लाइक ऑपोजिट इन रियल लाइफ ऑल्सो वी आर क्वाइट ऑपोजिट. या एंड सो या इन अ गुड वे बहुत जिद है, जैसे इन सभी कैरेक्टर्स में, हम सभी कैरेक्टर्स में बहुत जिद है, जिद्दी दिल है. यू नो जो फोकस है वही रूट जाना है और कैसे भी जाना है, अपना काम कैसे भी करवाना है. सो दैट्स द थिंग. और बहुत सारी चीज़ें शो में अपने आप निकल के बाहर आती हैं. सो दैट्स व्हाट कोयल इज़. सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल टू कम हेयर. बिग ग्रैटिट्यूड. बहुत अरसे के बाद हम सब लोग मिले हैं बिकॉज इतना पैंडेमिक था और हम लोग कभी वन ऑन वन इतने टाइम से मिले नहीं हैं. सो थैंक यू सो मच ये वक्त निकालने के लिए. थैंक यू सो मच. यानी कि ये जिंदा दिल जोड़ियों की कहानी है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करण शेरगिल, डॉक्टर मोनामी, देन वी हैव संजू एंड गंजू. और क्या इनकी रिलेशनशिप सिंपल है और कैसी है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. दैट स्पेशल एजेंट फैजी और नर्स कोयल. वैसे मेंबर्स ऑफ द मीडिया, इतने वक्त बाद हम मिले हैं तो हमने सोचा कि हमारी कास्ट और आपके साथ थोड़ी फन गेम्स किए जाए. तो हमारी जो पहले कंटेंडर जो आने वाले हैं वो है आदित्य अग्निश. हमारी मीडिया, मुझे पता है आपके पास यू नो कैमरा से आप देख रहे हैं, लेकिन हमें अगर एक कोई आप में से कंटेंडर मिले टू गो अगेंस्ट स्पेशल एजेंट फैजी, एनीबॉडी. पहले ये पता चले कि कंपटीशन है क्या. वेरी सिंपल. द गुड थिंग इज दैट यू आर ऑलवेज रेडी फॉर एनी कंपटीशन. इट्स ओनली 15 सेकंड्स. 15 सेकंड्स. तो आदित्य, कैन वी हैव यू अहेड हियर. ग्रेट एक्टिविटी जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फन है. इसे कहते हैं लिम्बो डांस. और इसे करने के लिए आने वाले हैं. बहुत बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है. करण कुछ नहीं करना है. दैट्स द रीजन. यस करण कुछ भी नहीं करना है. लेकिन ये वाले में सो सकते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं. मैं आपको एक्टिविटी दिखाती हूँ. सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. इट्स कॉल्ड द लिम्बो डांस. और आपको ये जो ओके यस, इसको एकदम एकदम कड़क पकड़िए ऐसे. हाँ परफेक्ट. यहाँ से पकड़िए प्लीज. थैंक यू सो मच. सो ऑल यू टू डू इज इसके नीचे जाना है. लेकिन सिंस ये आपके लेवल के थोड़ा सा नीचे है, यू हैव टू डू इट लाइक दैट. दैट्स इट. ग्रेट. और आपके लिए हम कंटेंडर मीडिया से बुलाएंगे. अरुण तो आ चुके हैं. अरुण आप ही मुझे कोई कंटेंडर बताइए. आपके तरफ कौन कौन आएंगे. आइए आइए. आई थिंक मीडिया में सारे सिटीजन जो है किसी को नहीं आ रहा. प्लीज प्लीज सर, प्लीज आइए आइए. प्लीज कैमरा ले लीजिए. क्या बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आइए देखिए. अभी सिद्धन जो आपको दिखाएंगे बहुत ही सिंपल है. इसे लिम्बो डांस कहते हैं. एक बार क्या बात है. इसके नीचे जाना है लेकिन ऐसे. हाँ ऐसे करके. ऐसे करके. रेडी. ओके रेडी. 3 2 1 गो. अरे 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 ये ट्रायल राउंड था. ये ट्रायल राउंड था. इन्होंने इन्होंने थोड़ी थोड़ी चीटिंग करी. एक और बार लास्ट बार. और आइए आइए नेक्स्ट. हमारे क्या फैंटास्टिक लेकिन एक कितना अच्छे से क्लिप पर एक. आइए दिलजो क्या आप कोशिश करना चाहेंगे लिम्बो डांस. इनसे आप कुछ भी करा लो ये जीते. वो 101% जीते. ग्रेट. कैन वी हैव यू क्विकली जल्दी से लास्ट बार. लेकिन इस बार चीटिंग है यार. इस बार चीटिंग है. दिस इज वेरी सिंपल. वेरी सिंपल. दैट्स ऑल. रेडी. 3 जाइए जाइए. 3 2 1 एंड गो. ओ नेक्स्ट. अब हम जो गेम खेलने वाले हैं ये जोड़ियों के साथ खेलने वाले हैं. सो जोड़ी यू हैव टू शेक हैंड्स विद योर पार्टनर एंड माइक्स मुझे दे दीजिए. जस्ट जस्ट फॉर दिस गेम. अगर आपके हाथ में कुछ भी है तो आई विल
come a little this time. Yes, perfect. That in 30 seconds, हम इनको ये टास्क देंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छे से मीडिया मेंबर्स आपका साथ चाहिए, तो ये देखें कि कोई चीज़ें नहीं कर रहा है और बिल्कुल सही से कर रहे हैं. 30 seconds, we tell you what to match and what to do that. Yeah? Let's see which Jodi does it the best. Ready? Okay. 3, 2, 1, go. Back to back. Shoulder to shoulder. Elbow to elbow. Knee to knee. Nose to back. Nose to back. Any back. Shoulder to shoulder. Shoulder to shoulder. Ear to ear. Cheek to elbow. Elbow to knee. Wow, wow, congratulations, Ali. That was a lot of fun. Yeah, baat hai. Thank you so much. And, you know, before we do anything else, hamare paas itna space hai, humne socha ek obstacle करते हैं. हमने सोचा कि इस बार मीडिया में से कोई इन्हें कमांड करेगा. ये होंगे ब्लाइंड फोल्डेड और आपको इन्हें कमांड करके वो ऑब्स्टिकल कोर्स के थ्रू भेजना है. कम ऑन, हमारी जो यस राइट है, जल्दी से लगा दीजिए हमारा ऑब्स्टिकल कोर्स. बहुत ही फन ऑब्स्टिकल कोर्स है और मीडिया मेंबर आप साथ में चला सकते हैं और बता सकते हैं कि इनको कैसे जाना है. कैन यू ऑल्सो हैव द ब्लाइंड फोल्ड प्लीज. Thank you so much. There goes, I mean, that's your control. Okay, so the media, anyone from the media is going to give you instructions and they're going to try and get you through the course. थोड़ा सा लेफ्ट एंड यू ट्राई नॉट हिट एनी ऑफ दिस थिंग्स दैट आर देयर. सो ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए साइड. परफेक्ट. वेरी सिंपल. इनको ऐसे, हाँ वेरी सिंपल. Okay, I have to say that
एक लास्ट एक्टिविटी है जो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर प्रीटी एक्साइटेड फॉर, प्लीज ये क्लियर कर दीजिए. सो जिंदगी दिल माने ना की कास्ट और हमारे जो यहाँ पर मीडिया मेंबर्स है, आप में से कुछ लोग वर्सेस द कास्ट एक टग ऑफ वॉर करेंगे. ग्रेट, तो अकेले एडी आएंगे, अकेले अदिति आएंगे आपके साथ. प्लीज कैन वी हैव यू टग ऑफ वॉर, सिंपल, वेरी सिंपल. प्लीज प्लीज जॉइन अस राइट देयर. वी हैव आदित्य दिस साइड, अकेले नहीं हो आप, और आएंगे. अमर, कैन वी हैव अमर जी प्लीज. अमर जी आइए आइए प्लीज प्लीज. सो शालीन प्लीज जॉइन आदित्य एंड दिलजोत प्लीज जॉइन. ग्रेट, एक्साइटेड फॉर दिस नाउ. ग्रेट, प्लीज रोक दे दीजिए, रोक दे दीजिए उनको. या एनी साइड हावे वो वी आर कंफर्टेबल विथ. यस, आई थिंक दैट वर्क्स. सो यू कैन हैव इट वन साइड वर्सेस वन साइड. यू कैन कम दिस साइड, आप लोग ये साइड आ सकते हैं. हमारे मीडिया की तरफ से एक और हमें कोई चाहिए. अमर, अमोल जी प्लीज. दिलजो भी आ रही है. ग्रेट, अरुण इज ऑल्सो हियर. शुक्र. सिंपल कावेरी, वी हैव टू चीयर. जहां भी करना चाहिए.
से फैजी का कैरेक्टर एक अलग ही कैरेक्टर है. मतलब आपने इतने सारे आर्मी शोज देखे रहेंगे, आर्मी मूवीज देखे रहेंगे, ये थोड़ा एक हटके है. मतलब लाइक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा एक शैतानी बचपना एंड एक थोड़ा एक नाइफ कैरेक्टर है इसमें. एंड इसका एक अलग ही चार्म है, एक अलग स्वैग है. फ्लर्टेशियस है ये. फ्लर्टेशियस है क्योंकि फैजी का प्रोमोज में भी है कि एफ दैट स्टैंड्स फॉर फ्लर्ट, तो एक फ्लर्ट है. बट एट द सेम टाइम वो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ, अपने देश की तरफ. तो उसके बहुत सारी शेड्स हैं इस कैरेक्टर के. कोयल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इंडिपेंडेंट है, बोल्ड है, फाइटिंग स्पिरिट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही जिद्दी दिल जिसे कहते हैं वो है. उसे जो करना होता है वो कैसे भी करती है. शी नो शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ अवेयर ऑफ इट, और उसे पता है कि लोग उस पर फिदा भी होते हैं. बट यू नो शी डजंट बॉदर हरसेल्फ. इसके मन में क्या चल रहा है, कोयल के मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता, नोबडी. इस कैरेक्टर में बहुत शेड्स हैं, बहुत लेयर्स हैं. इनफैक्ट जब मैंने लुक टेस्ट भी दिया था तो भी अलग अलग तरह के शेड्स में मेरा लुक टेस्ट हुआ था. एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज कि बहुत कुछ है इसमें करने के लिए. बहुत ऑफ बीट पर्सन है, अनकन्वेंशनल है, किसी रूल को फॉलो नहीं करती हैं. लेकिन यू नो धीरे धीरे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे बहुत कुछ अनवील होगा इस कैरेक्टर के बारे में. एंड शी नोज हाउ टू use people for her work, of course not in a bad way, but yeah, she manipulates. I think it. Like Simple said, we really had a very intense workshops and intense audition ka process bhi iska bahut alag tha. Mujhe yaad hai mera jab audition liya gaya tha to sabse pehle mera Sid ke liye hua tha audition, jabki us audition mein unko mere mein wo ek knife nature dikhai diya tha, jabki Faizi ki tab tak casting hui nahi thi. और फिर फैजी के लिए मुझे अराउंड लाइक 6 to 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू ऑडिशंस देने पड़े, तब जाके इस कैरेक्टर तक पहुंच पाया. वर्कशॉप्स हुए, बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए हमारे, काफी सुबह सुबह 9 से 5. आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे आई वाज लाइक, मैंने कहा व्हाट हैव आई साइन. यू वोंट बिलीव इट, इतना मजा आया हमें वर्कशॉप में, बिकॉज इतना कुछ सीखा हमने, सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने दोस्तों के बारे में, इन सब के बारे में. वी वर एट यू नो वी वर वन उस समय. एंड ट्रस्ट मी, वी वर एक्चुअली लिविंग द आर्मी लाइफ. वी यूज्ड टू गेट अप अराउंड एट 3:30 इन द मॉर्निंग. हम सेट पे अगर हमें पहुंचना है 4 या 5 बजे, अगर इवन वर्कशॉप्स भी होते थे 7 बजे, तो 5 बजे उठ के 7 बजे डॉट शार्प पहुंचो, पहले वर्कआउट करो, वर्कआउट करो, फिर वहां पे जाके फिर वर्कशॉप्स के लिए फिर प्रेप करो, फिर वो सारी चीजें, फिर कैरेक्टराइजेशन, फिर जो ब्रीफिंग होती थी. इनफैक्ट वर्कशॉप्स में हमें शो से रिलेटेड नहीं पर एक्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला. हाउ टू यूज योर ब्रेन इन द मोमेंट, व्हाट टू ऑब्जर्व, बहुत सारी चीजें जो नॉर्मली ऑन द सेट आप मतलब वर्कशॉप नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द चैनल एंड द प्रोडक्शन हाउस की हमारी ये वर्कशॉप्स हुई. और जो पैंडेमिक में हम लेजी हो गए थे, लेट उठने की आदत, वो सारी चले गई, बिकॉज हमें ये 3 बजे भी उठाते हैं, 3:30 बजे भी रात के उठाते हैं. ऑफ भी होता तो भी हम लोग वी गेट अप अराउंड एट 5 o'clock. या बिकॉज़ यू गेट यूज्ड टू इट, योर बॉडी क्लॉक एक्चुअली, मतलब आई यूज्ड टू स्लीप ड्यूरिंग द पैंडेमिक, आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड एट 4 AM और 5 AM, क्योंकि कोई एजेंडा ही नहीं होता था. अभी कैसा होता है कि 11:30 को सो जाओ, 4 या 5 बजे उठो और शूट के लिए आ जाओ. मैं तो ये चाहता हूँ कि वॉच द शो, हमने बहुत मेहनत की है, एक यंग शो है. इस तरह के शो यूजुअली इंटरनेट के लिए बनते हैं, पर ये टेलीविजन के लिए इतना अनकन्वेंशनल शो है जिसमें बहुत रियल इमोशंस हैं. एज अ यूथ आई विल बी एबल, आई मीन आई इफ आई वॉज एन ऑडियंस, मैं ये शो जरूर देखती, बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट. यू नो कैरेक्टर्स रियल हैं, फन भी है, मज़ा भी है, अच्छे एक्टर्स भी लिए हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे. तो यू नो इन ऑल हमें भी मज़ा आ रहा है, एंड आई एम 100% श्योर द ऑडियंस इज गोइंग टू एंजॉय इट. मैं ये समझता हूँ कि यू नो अभी जो द जनरेशन हैज चेंज, द ऑडियंस हैज चेंज, द टारगेट ऑडियंस एंड द ग्रुप हैज चेंज. तो अभी जिस पैंडेमिक में हमने देखे थे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आए थे, तो टेलीविजन का आई थिंक ये फर्स्ट शो होगा जिसको एक OTT प्लेटफॉर्म के तरह शूट किया गया है. मतलब इट्स नॉट लाइक अ ऑलवेज लाइक अ टेलीविजन फॉर्मेट जैसे शूट नहीं किया है.
It's a very completely unconventional different format altogether. बहुत एनर्जी है शो में, बहुत एनर्जी, एंथुसियाज्म है और बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर हैं. सिर्फ हम छह ही नहीं है, जो सपोर्टिंग कास्ट भी है बहुत अच्छे हैं. उसमें भी बहुत सारा ह्यूमर निकल के आता है, दोस्ती निकल के आती है. हमें सिर्फ छह को छोड़ के इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इस शो में कि आपको मतलब एक आप दंग रह जाएंगे यार किसकी तरफ ज्यादा फोकस करें. देयर इज रोमांस, देयर इज ह्यूमर, देयर इज फन, देयर इज फाइट्स, सो एवरीथिंग इज देयर. फाइट्स? He just looked at me. I have a fight with him. I have a fight with another character which is hilarious. मतलब मैं उसको डिशम डिशम करती हूँ. आपको मजा आएगा आगे in future. Floor. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. नया show लेकर आ रहे हैं और इस show में बाकी बहुत कुछ नया है. जितने भी शोज अभी चल रहे हैं उन सबसे काफ़ी अलग है. इट्स गोइंग टू बी लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को देखने इस शो में. सिर्फ हमें एक कैनवस तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे किरदार हैं. उन सब किरदारों के आपसी रिलेशन हैं, हर एक किरदार का अपना एक बैक स्टोरी है. तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा. रोमांस, दोस्ती, मस्ती, इमोशंस, बहुत कुछ. एग्जैक्टली द सेम एक्चुअली. बहुत फ्रेश कंटेंट है और ऐसा कंटेंट टी वी में आई थिंक काफ़ी अरसों बाद आ रहा है. सो आई थिंक किस तरह का अभिनय करते हुए नजर आऊँगी मैं, पिछले वाले से बहुत अलग है इतना तो मैं कहना चाहूँगी. और अभी तक मैंने टी वी में देखा नहीं है खुद को, तो आई कांट से मच. बट मैंने किया है तो काफ़ी रियलिस्टिक जो इसका जो जैसे लिखा गया है, जैसे मेरा किरदार है काफ़ी रियल और उस बैकग्राउंड के. देखिए मैं कोशिश करता हूँ आज भी एक्टिंग कर सकूँ. कभी कभी वो हो जाती है, कभी नहीं होती. लेकिन काफ़ी अलग किरदार दिखने में लोग काफ़ी सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं क्योंकि उनको एक किरदार मेरा काफ़ी पसंद रहा है. पर इस किरदार में बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं और हर कुछ टाइम में हर एपिसोड में आपको उसका एक नया रूप दिखता है, एक नया रंग दिखता है, एक नया रस दिखता है. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहला तो ये एक अकेडमी बेस्ड है, दूसरा ये एक्शन बेस्ड है, तीसरा इसमें बहुत सारा रोमांस है, चौथा ये एक ह्यूज शो है, पाँचवा ऐसे बहुत टाइम बाद एक ऐसा शो आ रहा है जिसमें एक ऐसी फील है. और आई थिंक मैं इंतज़ार कर रहा था काफ़ी सालों से एक ऐसे शो, तो अगर ऐसा शो आ जाए तो उसे छोड़ना बेवकूफ़ी होगी. ऐसे शोज हम मोस्टली देखना पसंद करते हैं, मैं तो देखना ऐसे शोज बहुत पसंद करती हूँ और उस पर काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं सोने पे सुहागा. सोने पे सुहागा, एग्जैक्टली. देखिए वो इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड लोगों को वैसा लग रहा है, प्रीमाइस वैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं. ये शो उस शो से बहुत अलग है क्योंकि वो शो मैंने देखा है और काफ़ी पसंदीदा शोज में से एक था मेरे. तो उस शो को अच्छी तरह देखा है मैंने तो, और इस शो को शूट कर रहा हूँ, शो की कहानी मुझे पता है. ये शो उस शो से बहुत अलग है तो उसमें ऐसा कुछ सिमिलर है नहीं. सिर्फ एक ऐसा लगता है देखने में कि अकेडमी है, ट्रेनर्स हैं, ट्रेनी हैं, तो सिमिलर है लेकिन है नहीं. इस शो में बहुत कुछ है और बहुत कुछ अलग है और बहुत कुछ मेरे हिसाब से बेहतर है. देखिए मेरा एक मानना है कि मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, वरना मैं ब्रेक्स लेता ही नहीं. अच्छा काम मेरा हमेशा से करना एक फोटे रहा है, वो फोटे तो नहीं, अच्छा काम हमेशा करने की एक ख्वाहिश रही है. और वो इसलिए रही है कि मैं चाहता हूँ कि छोटी सी जिंदगी है एक एक्टर की. जब आपको काम करके चले जाएं आज से 10 साल बाद भी जब लोग आपको याद करें तो कहेंगे यार उसने वो जो शो किया था ना, वो शो कमाल था. तो मैं ऐसा कोई भी शो नहीं करना चाहता जो लोग कहें अरे यार क्या बेवकूफ़ वाला शो. एक वो, दूसरा पर्सनली जब तक अंदर से फील नहीं आती ना कि आप ये कर सकते हो तब तक वो करना नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद है, वो राइटर का बर्बाद है, वो सब चीज़ें बर्बाद होंगी क्योंकि आप फील नहीं करते. तो जब तक फील ना आए ना वो काम नहीं करना. बिल्कुल, मुझे ये मौका मिला है कि मैं कुछ नया कर सकूँ तो आई एम ऑन क्लाउड 9 लिटरली.
एंड नया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए करने को मिल रही है. पहली बार कर रही हूँ मैं, काफ़ी स्टंट्स किए मैंने अभी तक, और भी करने वाली हूँ मैं शो में, तो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. देखिए मैं इसमें एक स्पेशल एजेंट प्ले कर रहा हूँ, तो स्पेशल एजेंट फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है. और मैंने पिछले 2 साल से फिटनेस को बिल्कुल ही टाटा बाय बाय गिरा हुआ था, क्योंकि पिछले शो में मेरा जो कैरेक्टर था उसमें मेरे को ऐसा लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए नहीं था. इनफैक्ट उस किरदार को बहुत ही एवरेज नॉर्मल ह्यूमन दिखना था. तो इस शो के लिए फिजिकली उसमें घुसना, अपने आप को एक ऐसा ट्रेनर बनाना कि लोग देख के कहें कि यार अगर ऐसा ट्रेनर हुआ कि लोग देख के कहें भाई ये नहीं कर पाएगा तो लोगों से क्या कराएगा, तो मुझे वो चाहिए नहीं था. तो उसके लिए मैंने अपने आप को फिजिकली एक साँचे में ढाला है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हेयर स्टाइल रखवाया, एक लुक दिमाग में रखी है, कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर किया, हर एक किरदार के साथ मेरा रिलेशन कहाँ कैसे कब क्यों होगा वो जाना है. डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, फिजिकली फिट मेंटली, क्योंकि इस किरदार में घुसना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं असलियत में से बिल्कुल अलग हूँ. और प्लस इसके इतने सारे रिलेशन हैं हर एक के साथ अलग अलग, कि उस सब के बारे में जानना इतना ज़रूरी था कि ये प्रिपरेशन करनी पड़ी. हमारा वर्कशॉप हुआ था, एक्टिंग का वर्कशॉप हुआ था, फिर हमारे कैरेक्टर में बहुत लॉट ऑफ स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुए थे, उसमें भी काफ़ी दिन हमने सीन्स किए थे एक दूसरे के साथ टू नो कि कहाँ कैसा क्या बॉन्ड है उस मोनामी का बाकी कैरेक्टर्स के साथ. तो आई थिंक वो एक चीज़ है. और बाकी तो जैसे जैसे शो प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे मोनामी को फिजिकली थोड़ा उसको शी नीड्स टू बी फिजिकली स्ट्रेंथेंड, एंड फिजिकली स्ट्रेंथ ज़रूरी है, तो आई थिंक वर्किंग ऑन दैट. प्लीज़ हमारा शो देखिए, यूथ बेस्ड है, फन है शो में, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं और लव एंगल है, ड्रामा है और दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, बहुत कुछ है. तो आई थिंक मैं तो बहुत पसंद करती हूँ ऐसे शोज देखने के लिए. और जितना मज़ा हमें शो बनाने में आ रहा है, बनाने में आ रहा है, आपको उतना ही मज़ा अगर देखने में आया है तो बस फिर उससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए. थैंक यू. लेडीज फर्स्ट. ओके सो जिद्दी दिल माने ना, इट्स एन आर्मी बैकग्राउंड बेस्ड शो एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ संजना स्पेशल एजेंट. She is, Sanjana comes from Bundelkhand. She's very rough and tough. She is very akkad and jo dil mein hoti hai, dil ki saaf hai bahut. So jo dil mein hota hai bol deti hai. And usse wahi log pasand hai jo, kyunki wo bahut disciplined hai life mein, bahut passionate hai apni duty ko lekar, apne you know apne kaam ke kaam ko lekar. To usse bhi waise hi log pasand hai jo equally focused hai ya unka kuch goal hai life mein. So when she actually meets Ganju, Sid Ganju, उसको लगता है कि ये तो total opposite है and इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा life में. तो that'll be very interesting to see कि how you know they go ahead in the story. जैसा कि दिलजोत ने बताया, कैप्टन संजना ने, I play Sid Ganju, Sid ji. सिद्धार्थ बहुत ही एम नहीं है लाइफ में, कोई लक्ष्य नहीं है लाइफ में. ऐशो आराम में पड़ा हुआ है और उसे पसंद है, उसको उसे चेंज होना भी नहीं. बट किसी तरह वो कैप्टन संजना से मिलता है एंड उसकी लाइफ बदल जाती है. सो या दैट्स सिड गंजू. एंड आई थिंक दिस इज अ शो वेयर एवरीबडी इज अ मिसफिट. एवरीबडी इज हर कोई मतलब हर कोई अपना अपना लक्ष्य ढूंढ रहा है यहाँ. So we are all misfits and it's a story of us misfits against a backdrop of a training academy where we are being trained to be ready for any and every emergency in a civilian environment. Yes, yes. So that's what Ziddi Dil Maane Na is all about. Okay, is aapke character mein aap preparation to character mujhe actually honestly inhone bahut help kiya, in fact roz karti hain. Preparation to वैसे हर role ke liye hoti hai. बट फिजिकल ट्रेनिंग जितनी की मैं कर रहा हूँ मैंने लाइफ में कभी नहीं की. और ऑनेस्टली आई एम सो ग्लैड दैट आई एम वर्किंग विद हर बिकॉज शी इज़ अ फिटनेस फ्रीक. एंड नॉट जस्ट फिटनेस विद डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है,
हम लोग शूट कर रहे थे नासिक में फॉर द प्रोमो, और होटल के बुफे में मैं इनके पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि मुझे आइडिया भी नहीं है कि क्या खाना क्या नहीं खाना. थैंक यू. आई थिंक दैट इज बिकॉज यू आर रिलेटिवली न्यू टू द होल लाइक यू नो द रेगुलरिटी. यस बट आई थिंक यू आर डूइंग गुड. एंड आई फिजिकल ट्रेनिंग तो यस मैंने भी काफ़ी यू नो आई ऑलरेडी वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ एमएमए एंड योगा एंड एवरीथिंग. सो संजना और दिलजोत के बीच में ये भी कॉमन है कि वो काफ़ी फिटनेस फ्रीक हैं और उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल पसंद है. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी ट्रेनिंग वी ऑल्सो डिड अ यू नो आर प्रोड्यूसर्स वर काइंड इनफ टू अरेंज अ वर्कशॉप विद मिस्टर जॉय फर्नांडिस एंड ही एक्चुअली टॉट अस अ लॉट. ही यू नो मेड अस यू नो डू लॉट ऑफ little things that will help us later on to work with each other or as a team. I'm interrupting. But I think the main objective of that workshop was ki hum sab usme dost ban gaye. और मतलब हमने इतना मजा किया है, काम भी किया, बट इतना हाँ इतना इतने ईज से हम सारे कंफर्टेबल हो गए दूसरे से कि आजकल बड़ा ही मजा आता है. एक 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 चीज़ और है सिड के बारे में कि वो बहुत अमीर बहुत अमीर उसे जो चाहिए मिल जाता है और मतलब मांगना भी नहीं पड़ता. ऐसा बिल्कुल नहीं है कुणाल की लाइफ. आई विश होता बट नहीं. सो देयर आई डोंट रिलेट एट ऑल. बट जितना मैं रिलेट करता हूँ आई लाइक द होल लेट बैक एटीट्यूड. आई थिंक आई ऑल्सो आई एम समवेयर वेरी लेट बैक. सो या जैसे कि मैंने कहा संजना भी काफ़ी यू नो पैशनेट है अपने काम को लेकर, अपनी ड्यूटी को लेकर. आई एम ऑल्सो लाइक आई लाइक टू बी पैशनेट. ये एकदम संजू है प्लीज. ये एकदम रफ एंड टफ ये है ये परफेक्ट है एकदम परफेक्ट है. बट जस्ट नॉट दैट लाइक शी इज अ लिटिल रूड बट शी आई थिंक दैट इज जस्ट हर यू नो बाहर से रूड है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है. दैट यू विल फिगर आउट लेटर. नहीं सर प्लीज ऐसा मत बोलिए क्योंकि मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा. सी देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट गो इनटू गेटिंग अ शो एंड फाइनली बीइंग ऑन स्क्रीन. तो ऐसा भी होता है कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ नहीं होता है. सो और हाँ मतलब मुझे घूमना बहुत पसंद है तो मैं कभी कभी निकल जाता हूँ. सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे 30 अगस्त सोनी सब पर हमसे मिलिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.